हे गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अगर आप लोग अच्छे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आज का जो न्यूज़ है, क्या बताऊँ गाइस, बहुत ही डेंजर टाइप्स का न्यूज़ मैंने देखा है, तो उसके बारे में कुछ बताऊँगा। ये जो वीडियो है पूरा का पूरा देखिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। प्लीज़ गाइस, इसे इग्नोर मत कीजिए, इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जो दोस्त वगैरह जो कोई भी है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ध्यान से गौर से सुनिए। आपके जो आधार कार्ड है, आप जब भी आधार कार्ड से कोई भी नंबर रजिस्टर करते हैं, कोई भी सिम स्टोर से या कोई भी मोबाइल स्टोर से जाके आप सिम वगैरह परचेस करते हैं, तब जब आपके आधार कार्ड का जब डिटेल्स वो लेते हैं, तब क्या वो सेफ है? आप एक बार पूछ के देखिए, क्या वो सेफ है? आपके आधार कार्ड के जो जो डिटेल्स वो लोग ले रहा है, वो जितने भी सारे जो डिटेल्स वो कलेक्ट करके आपके लिए एक सिम प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो सही है? आपको मालूम नहीं गाइस कि आपके आधार कार्ड से वो क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या आपको कोई एसएमएस आता है कि आपने 15 करोड़ जीत चुके हैं, 90 करोड़ जीत चुके हैं, 1 लाख रुपए जीत गए हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए? या फिर आपके कोई भी ऐसा एसएमएस आया कि कोई बिल आपका ड्यू है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई कुछ भी वगैरह, फोन रिचार्ज आपने किया है पर फिर भी आपको कह रहा है कि आपने रिचार्ज नहीं किया, आपके ये बिल ड्यू है, वो बिल आपको ड्यू मिल रहा है? अगर ऐसा कुछ भी नोटिस आपको मिल रहा है तो गाइस प्लीज सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ट्रैप है। और उसके अंदर जो कुछ भी लिंक वगैरह वो लोग दे रहे हैं, प्लीज उसे क्लिक मत कीजिए, सिर्फ लिंक को लिंक। आज मैं एक ऐसा टिप बताऊंगा कि आप उसके वजह से आप अपने लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। आप आपके फोन के एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप कोई भी साइट से जाइए, जाके देख लीजिए, मैं बताऊंगा, एक बार वो वीडियो को भी देख लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, एक बहुत ही जरूरी वीडियो, प्लीज गाइस देख लीजिए। तो गाइस, आप अपने फोन को ओपन कीजिए, जाके गूगल या फिर क्रोम में जाके सर्च कीजिए टैबकॉप। ये जो टैबकॉप है एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन, बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जो हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट ने बनाया है, एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, जाके सर्च कीजिए। और जो पहला जो ऊपर में जो आता है वो क्लिक कीजिए। आप देखिए गाइस, ये जो टैबकॉप है एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, यानी देखा जाए कि आपके आधार कार्ड में, आपके आधार कार्ड से रिलेटेड जो कुछ भी आपने जो कुछ भी सिम वगैरह आपने परचेस किया है या फिर जितने भी नंबर आपने डाला हुआ है वो सब कुछ देखा जाएगा। या फिर आपके आधार कार्ड से जो भी सिम दूसरे सारे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप जान पाएंगे, या फिर जो कुछ भी फ्रॉड वगैरह कर रहा है सब कुछ आप जान पाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, और फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे वेट कीजिए। अब मैं इसे क्लिक करूंगा, अब वो ओपन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो डिटेल्स वो लोग दिखा रहा है, लास्ट का मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑन योर आईडी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरा जो लास्ट नंबर जो कुछ भी मैंने रजिस्टर किया है अपने आईडी से, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। शो टू नंबर, यहाँ पे मेरे 2 नंबर शो हो रहा है क्योंकि मैंने आधार कार्ड से 2 नंबर लिया है। तो ये जो मेरे 2 नंबर है वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट माई नंबर। तो दिस इज नॉट माई नंबर जो लिखा हुआ है वहाँ पे, अगर वहाँ पे अगर आप क्लिक करते तो वो सब इरेस हो जाएगा, यानी आपके आधार कार्ड से जो कोई भी नंबर लेके यूज कर रहा है वो अब इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन हमारे गवर्नमेंट ने लेके आया है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो? तो वीडियो को पूरा देखिए, और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा आप सभी के लिए, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बढ़िया वीडियो है। आप जाके आप फोन में जरूर से जरूर चेक कर लीजिए, और अपने दोस्त सभी लोगों को
सबको बताइए कि आपके फ़ोन में क्या कुछ एक मिसिंग हो या फिर बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप ज़रूर जाके देखिए। और आप सभी दोस्तों को सतर्क होने के लिए कहिए क्योंकि बहुत ही बड़ा एक ट्रैप हो सकता है। तो जितने भी नंबर है आपने लिया है उसे रखिए, और जितने भी नंबर आपने नहीं लिया है उसे रिपोर्ट कर दीजिए और करके उसे डिलीट कर दीजिए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जाइए, जाके जो आपका ही नंबर है उसे रखिए और जितने भी अननोन नंबर एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है उनको डिलीट कर दीजिए, रखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो टेक केयर गाइस।